हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल डेली जॉब अपडेट में आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज और आपके लिए वैकेंसीज लेकर आए जो कि विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वैकेंसीज। आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हाँ जी दोस्तों, वैसे ही आपके लिए वैकेंसीज है। नागपुर, अमरावती, वर्धा हो, भंडारा हो या यवतमाल हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लिए आप वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज ITI के लिए भी है, 12th इंजीनियर और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में भी आपके लिए वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहली वैकेंसी क्या है। पहली वैकेंसी TVS शोरूम में निकली। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें विविध पदों के लिए वैकेंसीज इन्होंने निकाले। आप देख सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे उन्हें पदवीधर यानी मिनिमम उनका ग्रेजुएशन पास आउट होना है। उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। यहाँ पे भी उन्होंने मिनिमम पदवीधर यानी ग्रेजुएट पास होना है, और साथ में यानी अच्छा खासा यानी जो कम्युनिकेशन अगर गुड होगा तो वो वेल एंड गुड यानी यहाँ पर वो जा सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए उन्हें वैकेंसी निकलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें एलिजिबिलिटी BCOM होना है, और साथ में टैली का नॉलेज है तो वो यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सर्विस एडवाइज़र के लिए वैकेंसी निकले। यहाँ पे मिनिमम IT या पास आउट वाले यानी अगर IT या पास आउट वाले हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल 2-व्हीलर के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला। यहाँ पर भी मिनिमम IT या पास आउट वाले यहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर उन्होंने तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर 22 अगस्त के पहले आपको जो दिए गए ईमेल है इस पर आपका रिज्यूम और जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इस यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से नागपुर में निकले। आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये कॉलेज में इंस्टीट्यूट में इन्होंने वैकेंसी निकाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने निकाली है। आप देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट साइंस, ये डिपार्टमेंट इनके लिए इन्हें टीचर्स चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे उन्होंने क्लॉक वाइज यानी डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे इन्हें रिक्वायर्ड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आप PG होना है यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, और साथ में NETSET और PhD अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो वेल एंड गुड जो रिलेटेड सब्जेक्ट में। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए तो आपको क्या करना है, 29 अगस्त को सुबह 11 बजे साथ में आपका रिज्यूम डॉक्यूमेंट और जो एप्लीकेशन है जो आपको लिखना है वो आपको यहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसी। देवकी इन्वेस्टमेंट जो कि नागपुर में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी उन्होंने टेलीकॉलर के लिए जो कि फीमेल के लिए निकाली है। सेल्स एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बॉय यानी मिनिमम टेलीकॉलर के लिए मिनिमम 12 पास होना चाहिए, और सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन और गुड कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए, और ऑफिस बॉय के लिए यानी मिनिमम 8वीं 10वीं पढ़ा लिखा होगा तो भी चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो दोस्तों तो आपको 20, 23 और 24 ये तारीख को आपको दोपहर 12 से 3 बजे तक जो दिए गए एड्रेस पर आपको इन्हें जाकर मिलना है, या तो फिर आप जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देख रहे होंगे उस पर आपको कॉल करके एक बार उनसे बात करना है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ की तरफ से निकली। आप देख सकते हैं ये स्पेशली नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे और सोलापुर, कोल्हापुर, जड़गांव ऐसे उपकेंद्र पर ये वैकेंसी उन्होंने निकाले है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे इन्हें इंजीनियर, क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार यानी सिपाही के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 11 महीने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो। दोस्तों, अगर ये जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस वेबसाइट पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से जाकर पूरा एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन है, अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देकर अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे गांधी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे निकले, आप देख सकते हैं इंडियाज नंबर वन कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज है। यहाँ पे स्पेशली टेक्निकल बंदों के लिए ये वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा एजुकेशन क्राइटेरिया दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इन्होंने वैकेंसी निकली, आप देख सकते हैं। जिसको इंजीनियर और सीनियर पोजीशन के लिए 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वेल एंड गुड। तो आपको यहाँ पे पूरा जॉब रोल क्या है, आपका क्या रहेगा, सभी यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे यानी जिसका बीटेक या आईटी या पॉलिटेक्निक हुआ होगा तो यहाँ पे आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 21 अगस्त को सुबह 9:30 से 5 बजे तक वॉक इन टूर रखा है। तो आप यहाँ पे दिए गए जो एड्रेस है जो कि पुणे में है, आप देख सकते हैं होटल लेमन ट्री प्रीमियर पुणे, यहाँ पे उन्होंने वॉक इन टूर रखा है। तो आपको यहाँ पे वॉक इन टूर के लिए जा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी दिया है, इस पर भी आप एक बार उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप चैनल को इतना सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे कि आपके लिए अच्छे खासा जॉब वैकेंसी लेकर आए। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी गोंदिया में निकली, आप देख सकते हैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में तिड़का, यहाँ पे ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। प्रबोधन पशुधन व्यवस्थापन और दुग्ध उत्पादन विद्यालय है, तो यहाँ पे इन्हें प्राचार्य व्याख्याता चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा एजुकेशन क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आपको 7 सितंबर को आने अगले मंथ में आपको यहाँ पे जो दिए गए एड्रेस है इस पर आप जा सकते हैं वॉकिंग टूर मिलने के लिए। और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 9422131637, ये उनका मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके उनसे एक बार बात कर सकते हैं। ठीक है। तो वैकेंसी राजीव गांधी महाविद्यालय जो कि चंद्रपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने फैकल्टी के लिए वैकेंसी निकाले। इन्हें इंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, उन्होंने एक पद निकाले। आप देख सकते हैं एम ए बी एच जिसका हुआ है वो ये विषय सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र और मराठी पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, यहाँ पे भी उन्होंने एक जगह निकाले और जिसका एम ए बी एड हुआ है ये सब्जेक्ट में, तो वो इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है। उसके बाद गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र, माहिती तंत्र यानी साइंस फैकल्टी के लिए उन्होंने एक एक टीचर के लिए वैकेंसी निकाली, यानी पर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चाहिए। तो अगर दोस्तों जिसका एम एस सी बी एड हुआ है वो दिए गए सब्जेक्ट के हिसाब से जिसका एम एस सी बी एड हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉमर्स फैकल्टी के यानी मराठी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इन्हें 3 जगह निकाली है। तो जिसका एम कॉम प्लस बी एड हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई। उसके बाद लाइब्रेरी, उसके बाद प्रयोगशाला परिचर यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए उन्होंने निकाले, आप देख सकते हैं 3 जगह उन्होंने निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 12वीं पास वालों के लिए ये वैकेंसीज है। आप जिसका 12th साइंस में हुआ है तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों जो दिए गए एड्रेस है उनका, जो राजीव गांधी महाविद्यालय मूल रोड बंगाली कैंप चंद्रपुर, तो यहाँ पर जाकर आप वो उनसे एक बार मिलना है और दिए गए मोबाइल नंबर पर आप एक बार कांटेक्ट करके उनसे एक बार पूरा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। वैकेंसी परसोड़ी जो कि डिस्ट्रिक्ट अमरावती में, आप देख सकते हैं श्री स्वामी समर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज निकाले। आप देख सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने वैकेंसीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए उन्होंने एक पद निकाला जिसका यानी इसके रिलेटेड एजुकेशन हुआ होगा वो यहाँ पर अप्लाई। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 जगह उन्होंने निकाले, आप देख सकते हैं जिसका एम फॉर्म हुआ है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, तो वो ये पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर के लिए 6 जगह निकले, यानी जिसका एम फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो देन उसके बाद एडमिन डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने वैकेंसी, आप देख सकते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 1 जगह है, यानी जिसका एनी ग्रेजुएट प्लस MBA हुआ है और साथ में 3 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तो वेल एंड गुड, तो वो ये पद के लिए जा सकता है। उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए 6 जगह है, यानी जिसका डीफॉर्म हुआ है या तो BSc हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते। देन उसके बाद लैब अटेंडेंस के लिए उन्होंने 4 जगह निकाला, आप देख सकते हैं मिनिमम 12वीं साइंस उन्होंने ये पद के लिए मांगा है। उसके बाद क्लर्क के लिए 3 जगह निकाले हैं,
आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एनी ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग का नॉलेज उन्हें होना चाहिए होना है। अगर आप आपका ये हुआ होगा तो आप ये पद के लिए जा सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए एक जगह है जिसका बीकॉम प्लस टैली का नॉलेज होगा तो वो यहाँ अप्लाई। उसके बाद पीयून के लिए दो जगह है यानी मिनिमम 12वीं पास पीयून के लिए उन्होंने मांगा है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो दोस्तों जॉब के लिए तो आपको 28 अगस्त को यहाँ पे उन्हें 10 से 2 बजे तक इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू शेड्यूल रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मेन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है लेकिन आप फ्रेशर भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्पेशली डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों अगर तो आप यहाँ पे जाइए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। वैकेंसी हरिंसंस होंडा जो कि नागपुर रोड पर है वर्धा में, तो यहाँ पे इन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 जगह इन्होंने निकले। आप देख सकते हैं ये होंडा का शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम नागपुर वर्धा में है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट इन्हें जो उनका शोरूम है इस शोरूम में जाकर उनसे एक बार मिल भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह वैकेंसी इसी इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कि अमरावती में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें सोलर, ये बहुत बड़ी कंपनी है जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री यानी सोलर पैनल ये कंपनी में बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें वेरियस पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकली है। आप पूरा स्क्रीन पर क्राइटेरिया देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स मैनेजर के लिए यहाँ पे एक जगह निकले यानी मिनिमम एनी ग्रेजुएट यहाँ पे पास आउट होना है। उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे भी एनी ग्रेजुएट है, यहाँ पे उन्होंने 20 जगह निकले यानी बहुत बड़ी जगह यहाँ पे उन्होंने निकाले। उसके बाद सेल्स मैनेजर यानी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बी या डिप्लोमा मांगा है यानी मिनिमम एक जगह उन्होंने निकाले। उसके बाद सेल्स इंजीनियर यानी रिटेल के लिए यहाँ पे भी एनी ग्रेजुएट उन्होंने मांगा है। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी क्वालिटी एंड OEM ये डिपार्टमेंट के लिए चाहिए यानी मिनिमम यहाँ पे डिप्लोमा बी क्या BTech वाले बंदे चाहिए। यहाँ पे 2 जगह है। यहाँ पे HR मैनेजर के लिए यानी मिनिमम का MBA होना चाहिए HR में और अगर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 जगह निकले। उसके बाद अकाउंट एंड फाइनेंस यहाँ पे CA या MBA फाइनेंस में क्या होगा तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद परचेस एग्जीक्यूटिव के लिए भी एनी ग्रेजुएट मांगा है। देन स्टोर एंड लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव के लिए भी एनी ग्रेजुएट है, यहाँ पे 2 जगह है। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यानी यहाँ पे बी पढ़ा हुआ बंदा इन्हें चाहिए पोस्ट के लिए। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर के लिए यानी जिसका MBA हुआ है मार्केटिंग में तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो जो उनका वेबसाइट दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। अनिल सावर सावकर आईचवार कला महाविद्यालय जो कि भंगाराम तड़ोदी जिला चंद्रपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें अक्षत नामक अभी व्याख्याता यानी BA के लिए वैकेंसी यानी इन्होंने 7 वैकेंसी निकाले यानी स्पेशली टीचर के लिए वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें मराठी इंग्रजी इतिहास अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र समाजशास्त्र गृह अर्थशास्त्र यह सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इन्हें फैकल्टीज चाहिए। तो जिसका MA ये रिलेटेड सब्जेक्ट में हुआ होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 27 अगस्त को सुबह 11 बजे आपके जो डॉक्यूमेंट लेकर जो दिए गए एड्रेस पर है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है दोस्तों। ये वैकेंसी संतोष कुट्टे क्लास है जो कि रामनगर अकोला में है, आप देख सकते हैं इनका प्राइवेट क्लासेस है। तो यहाँ पे इन्हें शिक्षक के यानी टीचर के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाले हैं। आप देख सकते हैं गणित मैथ इंग्लिश कंप्यूटर साइंस और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाले। आप देख सकते हैं यानी मैथ के लिए उन्होंने MSc BSc प्लस नेट सेट क्वालिफाइड लड़की चाहिए। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए BA MA जिसका इंग्लिश में हुआ हो साथ में PhD नेट सेट क्वालिफाइड होंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई एलिजिबल है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज यानी जिसको कंप्यूटर टीचर के लिए उन्होंने वैकेंसी देख सकते निकाले थे यहाँ पे जिसका BCA या MCA हुआ है कंप्यूटर में तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यानी चालू घड़े में यानी करंट अफेयर के लिए यानी मिनिमम DEd BEd उन्होंने मांगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका फिक्स पेमेंट यहाँ पे 42,000 फिक्स पेमेंट आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप मिलने के लिए जा सकते जो इनका क्लासेस है रामनगर में संतोष कुट्टे क्लासेस, यहाँ पे जाकर आप ये इनसे जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते यानी अगर आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे आपके लिए रिक्वायरमेंट लाना है क्या करना है। तो प्लीज़ आपका एक कमेंट हमें बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो डालते हैं यानी जो जॉब रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा और आपसे कोई भी जो जॉब है वो मिस नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो वीडियो है वो आपके व्हाट्सअप में जो ग्रुप है उसमें शेयर करें, क्योंकि इसका जो फ़ायदा यानी जिसको जॉब चाहिए उसको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हम भी आपके लिए ऐसे ही नए नए वैकेंसी डेली बेस पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।